अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इल्मी अकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुशामदीद। फ्रेंड्स, क्या आप अभी से ही इंग्लिश बोलना चाहेंगे? यस, अगर तो आप अभी से ही इंग्लिश बोलना चाहेंगे तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को प्ले किया है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 24 ऐसे फिकरात बताए जाएंगे जिनको अगर आप अच्छी तरह से याद कर लें तो आप अभी के अभी इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएंगे। तो चलें वक्त जाया किए बगैर फौरन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सेंटेंस, पहला फिकरा जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेरे पीछे आओ। लाइक अगर आपने किसी को गाइड करना है, किसी को कोई रास्ता बताना है, तो आप उसे कहते हैं मेरे पीछे पीछे आओ। राइट, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉलो मी, फॉलो मी। नेक्स्ट सेंटेंस, अपनी जुबान पर काबू रखो। नॉर्मली जब कोई बहुत ज़्यादा बातें कर रहा होता है तो हम उसको एक एडवाइस के तौर पे या थोड़ा गुस्से वाले अंदाज में कहते हैं अपनी जुबान पर काबू रखो। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग। थर्ड सेंटेंस, काम के वक्त काम करो। यस, ये भी एक पीस ऑफ एडवाइस है, आप किसी को नसीहत कर सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्क व्हाइल यू वर्क, वर्क व्हाइल यू वर्क। नेक्स्ट, ख्याल ना करो। मी टू से कि आप कोई किसी बात पे खफा हो रहे हैं या ऐसे ही आपको कोई तंग कर रहा है तो आप उसे कहते हैं यार इसका ख्याल ना करो, इसको इतना ज़्यादा सीरियस ना लो। तो उसको आप कह सकते हैं नेवर माइंड, नेवर माइंड। इसका ख्याल रखना, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे टेक केयर ऑफ हिम। अगर तो वो मेल है तो उसको आप कहेंगे टेक केयर ऑफ हिम, और अगर वो फीमेल है तो उसको आप कहेंगे टेक केयर ऑफ हर। अपना काम करो, लाइक अपने आप को इधर उधर के कामों में नहीं उलझाओ, आप सिर्फ अपना काम करो। तो उसको इंग्लिश में कहेंगे माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। आगे बढ़ो, लाइक आप किसी काम में या किसी बात में किसी को कहते हैं हाँ हाँ हो गया आप आगे बढ़ो, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं गो अहेड, गो अहेड। सामने देखो, आपने किसी को कहना कि भाई आप सामने देखो, इधर उधर ना देखो, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे लुक फ्रंट, लुक फ्रंट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे देखने दो। लाइक कोई ऐसा सीन है जहां पे एक बंदा कह रहा है कि भाई मुझे देखने दो, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे लेट मी सी, लेट मी सी। जल्दी आना, लाइक हम किसी को कहते हैं भाई कहीं जा रहे हो तो जल्दी आना, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कम सून, कम सून। सुनिए, तो आप किसी को बुलाना चाहते हैं, कॉल करते हैं, उसको मुखातब करते हैं, उसे कहते हैं सुनिए तो, इसको इंग्लिश में कहेंगे जस्ट लिसन, जस्ट लिसन। तैयार रहना, अगर आपने किसी पार्टी में जाना है, आप किसी फ्रेंड को या अपने किसी रिलेटिव को या फैमिली मेंबर को कहते हैं कि तैयार रहना, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे बी रेडी, बी रेडी। पागल मत बनो, हम ये भी किसी को कुछ वार्न करने के लिए या ऐसे कोई गलत बात कर रहा तो हम उसे कहते हैं भाई पागल मत बनो, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट बी सिली। इसको आप ये भी कह सकते हैं या डोंट बी मैड, दोनों ठीक है, डोंट बी सिली और डोंट बी मैड, दोनों ही ठीक है। सोच समझ कर बोलो, आप किसी को ये एडवाइस कर सकते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। एक तरफ हो जाओ, राइट, जिसको हम वैसे भी कहते हैं साइड पे हो जाओ भाई, साइड पे, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे मूव असाइड, मूव असाइड। जरूर आना, आप इंसिस्ट करते हैं किसी को कि हाँ भाई आपने जरूर आना है, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू कम, डू कम, यानी कि जरूर आना।
अपने दिल की बात कहो। इंग्लिश में कहेंगे स्पीक योर माइंड, स्पीक योर माइंड। इसको हम ये नहीं कहेंगे स्पीक योर हार्ट, नो। करेक्ट सेंटेंस है स्पीक योर माइंड। रबते में रहिएगा, प्लीज कीप इन टच, प्लीज कीप इन टच। तकल्लफ की जरूरत नहीं, यहां तकल्लफ नहीं कीजिए, तकल्लफ नहीं करो यार। प्लीज डोंट बी फॉर्मल, प्लीज डोंट बी फॉर्मल। अपने आप पर भरोसा रखो, हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योरसेल्फ। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी आ रहा हूं, लाइक आप कहीं जाते हैं और आप किसी को कहते हैं कि मैं बस अभी आ रहा हूं, उसको इंग्लिश में कहेंगे जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग। जैसे आपकी मर्जी, एज योर विश, एज योर विश। एहतियात से काम लो, बी केयरफुल, बी केयरफुल। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।